हाय गाइस, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एरी साइन, यानी कि मेष राशि के लिए, और देखेंगे कि आने वाला ये वीक कैसा रहेगा फॉर ऑल यू पीपल, आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। इट्स अ जनरल रीडिंग, सो मे और मे नॉट रेजोनेट टू एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि मेष राशि के लोगों के लिए उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी और करियर। पहले हम आपके लव लाइफ की बात करेंगे। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू कमेंट। थैंक यू सो मच। अभी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मुझे गाना चैनल हो रहा था, तो मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी फॉर ऑल द एरीज पीपल। आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। पहले हम आपकी लव लाइफ की बात कर लेते हैं। ओके, फॉर ऑल द एरीज पीपल, आप कंफ्लिक्टेड एनर्जी में हैं। इट्स अबाउट लाइक मे बी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है आप लोगों के बीच में, और बहुत ज़्यादा लाइक वो कहते हैं ना कि कुछ इन्वॉल्वमेंट है विद द थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स। मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है कि कोई थर्ड पार्टी इज इन्वॉल्व बिटवीन बोथ ऑफ यू, और आप लोगों का जो रिलेशनशिप है मे बी आप वेट कर रहे हैं किसी के मैसेज का या किसी की कॉल का, सम सॉर्ट ऑफ लाइक मे बी आप, या फिर आप सोच रहे हैं कि किसी को कॉल करें, या आप सोच रहे हैं कि किसी का वेट कर रहे हैं कि वो आपके पर्सन आपको रीच आउट करें। ऑन द अदर हैंड आपके जो पर्सन है, दे आर फीलिंग बाउंड, स्टक, they have emotions for you, they are basically waiting for like वो कहते हैं ना wake up, like a wake up call। वो चाहते हैं कि चीज़ें मे बी सॉर्ट आउट हो जाएँ, और वो चाहते हैं लेकिन बट उन्होंने जो इमोशंस हैं अपने वो होल्ड करके रखे हुए हैं फॉर ऑल द एरीज पीपल, राइट। और विद द एट ऑफ सोर्ड्स बाउंड फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, किसी लाइक रिस्ट्रिक्ट बाउंड ऐसा फील कर रहे हैं ऑल द एरीज पीपल। आपके जो पर्सन हैं, आप लाइक आप चाहते हैं उनके साथ इस रिलेशनशिप को बिल्डअप करना, लेकिन आप किसी चीज़ में स्टक हैं, थर्ड पार्टी में स्टक हैं। मे बी तो कोई फॉर एग्जांपल आपके कोई लाइक घर में हो, या कोई कुछ हो, कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है, कुछ इन्वॉल्वमेंट है, और मे बी जिनके साथ आप डील कर रहे हैं उनके लाइफ में कोई हो। सो मे बी हो सकता है आप एयर साइन के साथ डील कर रहे हो, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस हो सकते हैं, और बट इग्नोरेंस इस रिलेशनशिप में, कोई किसी को इग्नोर कर रहा है। द आउटकम मैं देख रही हूँ विद द फाइव ऑफ पेंटिकल्स, इट्स लाइक फीलिंग इग्नोर्ड, या कोई आपको इग्नोर कर रहा है, या आप लाइक उनको इग्नोर कर रहे हैं, कोडिपेंडेंट, राइट। इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा वो आपके जो पर्सन है, दे आर फीलिंग लाइक आप उनकी तरफ आए, उनसे बात करें, बिकॉज आप लोगों का जो कनेक्शन है, लाइक आपके जो पर्सन है, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, लाइक डीप सोल लेवल, लाइक बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है विद द लवर्स कार्ड एंड विद द चैरियट कार्ड। सो वो चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आप उन लाइक वो आपकी तरफ आए, या आप उनकी तरफ जाएं, बट बहुत ज़्यादा लाइक वो कहते हैं ना कोडिपेंडेंसी, और बहुत ज़्यादा लैकिंग, या कोई इग्नोर कर रहा है किसी को, ऐसी एनर्जीज हैं। बट मे बी पॉसिबिलिटी है कि आप के जो आप में से दोनों में से कोई एक दूसरे को रीच आउट करे, कोई मैसेज करे, या कॉल करे, या बात करे, बिकॉज
विद द लवर्स कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा लाइक आप लोगों का जो कनेक्शन है, वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा आपके जो पार्टनर हैं उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, बहुत इमोशंस हैं, आप लोग बहुत डीप लेवल पे, नॉट अ सुपरफिशियल रिलेशनशिप मैं कहूँगी, बट इमोशंस हैं, डीप इमोशंस हैं, राइट? और लेट्स पुल सम गाइडेंस फ्रॉम अवर एंजल्स कि वो हमें क्या कहना चाहते हैं अबाउट योर सिचुएशन. Okay, so somebody is juggling, right? We moment to moment. It's about, it's like two of pentacles, right? So कोई यहाँ पे balance करने की कोशिश कर रहा है. It's about juggling between two people, two choices. कुछ भी हो सकता है, right? या कोई, मैंने जैसे कि आपको बोला कि family issues या कुछ है. Maybe somebody is like having choices. कुछ ना कुछ है इस relationship में जो किसी को bother कर रहा है, third party या family issues या कुछ भी है. या आपके पार्टनर दे आर डीलिंग विद सम सॉर्ट ऑफ लाइक कुछ है इश्यूज, राइट, जो उनको बॉदर कर रहे हैं और वो उसमें से उसमें स्टक है, वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे. बट समबडी वॉन्ट्स टू ट्रैवल टूवर्ड्स यू, समबडी वॉन्ट्स टू लाइक वो कहते हैं ना आपकी तरफ आना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू आपको रीच आउट करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा लाइक मिस कर रहे हैं आपको. इमोशंस को होल्ड विद हाई प्रिंसेस, उन्होंने अपने इमोशंस को होल्ड किया हुआ है. क्लिंगिंग टू द पास्ट, या सो बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में मे भी हो सकता है इन द पास्ट कुछ इश्यूज हुए हों और कुछ ना कुछ है जो आप लोग होल्ड ऑन, जैसे कह रहे हैं ना कि कुछ हुआ है इन द रिसेंट पास्ट जो आप लोग लाइक या मे भी हो सकता है आप उस चीज़ को होल्ड ऑन करके बैठे हैं. सो यू नीड टू लाइक रिलैक्स और मे भी हो सकता है इट्स नॉट अ राइट टाइम मैं कहूँगी, बट येस डेफिनेटली आपके जो पर्सन है उनके मन में फीलिंग्स हैं और हो सकता है कि वो आपको रीच आउट करें और हो सकता है कि वो आपको कनेक्ट करें बिकॉज समबडी इज़ फीलिंग लेफ्ट आउट. किसी को लग रहा है कि उनके साथ फेयर नहीं हो रहा और समबडी इज़ फीलिंग लाइक वो कहते हैं ना रिलेशनशिप में भी उनको साइड कर दिया, ऐसा हो सकता है आपके पर्सन फील कर रहे हैं और कोडिपेंडेंट लाइक वो लाइक आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि वो ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहें. चलिए बात करते हैं आपके करियर की. एरीज पीपल, आपका करियर कैसा रहेगा? सो फॉर ऑल द एरीज पीपल, आप किसी चीज़ को लेके हार्ट ब्रोकन है अपने करियर में, राइट? कुछ आप बढ़ाना चाह रहे हैं या मे बी कुछ, जैसे कहते हैं ना कि या मे बी कुछ आपने स्टार्ट किया है या कुछ है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके, कुछ हुआ है या कुछ, किसी के साथ झगड़ा एट वर्क प्लेस या कोई नुकसान या कुछ जिसकी वजह से आप वरीड हो रहे हैं और आपको लग रहा है होपलेस, आपको लग रहा है कि आपने बहुत मेहनत की है बट इट्स नॉट लीडिंग, कुछ समझ नहीं आ रहा. बट यू डोंट नीड टू वरी, सेवन ऑफ पेंटिकल्स इट्स ऑल अबाउट कि आपने किसी चीज़ पे लाइक हार्ड वर्क किया है. नाउ आपका टाइम आएगा और स्लोली एंड स्टडीली आप आगे बढ़ेंगे. यू आर फोकस्ड ऑन मनी राइट नाउ, सो राइट आप थोड़े से लाइक वरीड हो रहे हैं किसी चीज को लेके. या मायूस हो रहे हैं, राइट? बहुत ज्यादा लाइक आपको लग रहा है कि आपको लग रहा है कि पता नहीं आगे क्या होगा या क्या नहीं होगा, या यू आर लाइक फीलिंग लाइक होपलेस, आप होपलेस फील कर रहे हैं अबाउट योर वर्क लाइफ और जो भी है. अगेन आप अगेन वी हैव टू वॉन्ट्स, तो मैं यही कहूँगी कि आप जो भी कर रहे हैं यू आर मूविंग टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन, आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं. टू ऑफ वॉन्ट्स बेसिकली कि आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.
मे भी थोड़ा टाइम लग सकता है राइट, बट आप फोकस अपना रखें और बहुत बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि मायूस ना हो किसी चीज़ को लेके, एवरी थिंग टेक्स टाइम, और कुछ पीरियड ऐसा चल रहा है तो मैं आपको यही कहूँगी कि भरोसा रखें, ट्रस्ट रखें, और जो भी होगा अच्छा होगा, आगे जाके आपको क्लैरिटी मिलेगी और जो भी आप आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो आगे चल के सक्सेसफुल होगा। सो अभी अगर एनर्जीज ऐसी हैं तो उसमें जस्ट डोंट कीप ऑन लाइक सिटिंग और लाइक वो कहते हैं ना कि एनर्जी मतलब उदास होने वाली उसमें ना रहे, राइट। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। लेट्स पुल सम कार्ड फॉर गाइडेंस कि आपके करियर के लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम अवर एंजल्स। ओके ओके सो चैरियट, वी अगेन वी हैव थ्री ऑफ वॉन्ड्स। आप मैंने जैसे कि आपको बोला ट्रस्ट करें, सी मैं आपको जो बातें बोल रही हूँ, थ्री ऑफ कप्स सेलिब्रेशन, आगे जाके आप हैप्पी फील करेंगे, अवेयरनेस, इट्स लाइक चैरियट, फोकस रखें। चैरियट का मतलब क्या होता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, बस अपना फोकस बना के रखें ना, इधर ना उधर, आपने कहीं नहीं देखना, अदरवाइज आप कहीं नहीं पहुँच पाएंगे। देन वी हैव थ्री ऑफ वॉन्ट, इट्स लाइक अबाउट एक्सपेंशन। टू ऑफ वॉन्ट कि हम किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, थ्री ऑफ वॉन्ट इट्स ऑल अबाउट एक्सपेंशन। एंड देन वी हैव ट्रस्ट, राइट। सो ट्रस्ट करें, सरेंडर करें डिवाइन को और अच्छा होगा आगे के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, और अगर आपको रीडिंग रेजोनेट की तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।